हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर आजकल बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, जिसको नाम दिया गया है #MeToo मूवमेंट। जानेंगे #MeToo मूवमेंट क्या है और कहाँ से शुरू हुआ और इस पर क्यों बवाल मचा हुआ है। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए। बस उसी के बाद से भारत में बड़े पैमाने पर #MeToo मूवमेंट शुरू कर दिया गया। तनुश्री के बाद बहुत सारी महिला कलाकार, पत्रकारों ने अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की है और इसमें बहुत बड़ी दिग्गज नामियों पर आरोप भी लगाए गए हैं, जिसमें कि मशहूर कलाकार आलोक नाथ, मंत्री MJ अकबर जैसे नाम भी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं #MeToo के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ ये क्या आंदोलन है और इसकी शुरुआत कब से की गई। जानेंगे शुरू से आखिर तक, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अगर हम मीटू आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 12 साल पहले हो गई थी। सोशल मीडिया पर ये आंदोलन ठीक एक साल पहले यानी कि अक्टूबर 2017 में वायरल हुआ था। ये आंदोलन यौन शोषण का शिकार हुई महिलाओं की मदद के लिए शुरू किया गया था। 2006 में अमेरिकी सिविल राइट एक्टिविस्ट तराना बर्क ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तराना बर्क खुद ही एक सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन से लेकर बड़े होने तक 3 बार उनका यौन शोषण हो चुका है। MySpace सोशल नेटवर्क में तराना बर्क ने इन 2 शब्दों में एक आंदोलन का रूप ले लिया, जिसमें कि यौन शोषण पीड़ितों को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि आप अकेले नहीं हैं। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और द न्यूयॉर्कर ने अमेरिकी फिल्म प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन को लेकर बड़े खुलासे किए। इस रिपोर्ट में 3 दशकों के करियर के दौरान वाइनस्टीन पर 80 से ज़्यादा महिलाओं ने रेप और यौन शोषण के आरोप लगाए। उसके बाद 16 अक्टूबर 2017 को हॉलीवुड अदाकारा एलिसा मिलानो को सोशल साइट पर एक मैसेज मिला। इस मैसेज में लिखा था कि अगर कभी आपका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो आप मीटू का स्टेटस लगाएं, ताकि लोगों को इस समस्या की गंभीरता का अंदाज़ा हो सके। मिलानो ने मीटू लिखकर ट्वीट किया और उसका ये ट्वीट वायरल हो गया। तमाम महिलाएं सोशल मीडिया पर इस हैशटैग का इस्तेमाल करके अपने साथ हुए यौन शोषण का जिक्र करने लगी। देखते देखते इस मूवमेंट ने हॉलीवुड के बाद दूसरे सेक्टरों में भी महिलाओं को शामिल कर लिया। इसके बाद भारत में सोशल मीडिया पर #MeToo मूवमेंट अभी हाल ही में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद शुरू हुआ। तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया कि साल 2008 में आई फिल्म हॉर्न ओके पुलिस के लिए उन्हें एक आइटम नंबर शूट करना था। शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर भी सेट पर मौजूद थे। तनुश्री का आरोप है कि शूट के बीच में नाना उनके नज़दीक आए और उन्होंने उन्हें गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। तनुश्री ने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य पर भी नाना का साथ देने का आरोप लगाया और दोनों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। तनुश्री दत्ता की तरफ से नाना पाटेकर और गणेश आचार्य पर आरोप लगाने के बाद ये मामला वायरल हो गया। अब तक कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। अधिकतर जो नाम आए हैं वो बॉलीवुड से हैं। क्वीन फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल, लेखक चेतन भगत, एक्टर रजत कपूर, सिंगर कैलाश खेर, एक्टर आलोक नाथ, फिल्म इंडस्ट्री से कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के मंत्री MJ अकबर पर भी कुछ महिलाओं ने आरोप लगाए हैं। ये आरोप तब के हैं जब MJ अकबर राजनीति से नहीं बल्कि पत्रकारिता में सक्रिय रहा करते थे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो #MeToo के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।